लियोस, वेलकम टू गुरुमाहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी की फोर्थ वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द फोर्थ वीक ऑफ फरवरी। द सन Knight of Cups, Two of Pentacles, King of Cups। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। आई मीन लियो, रेडी आइए किसी के लव प्रपोजल के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपसे अट्रैक्ट होके आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहेगा, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहेगा। और अगर आप सेपरेटेड हैं अपने पर्सन से इस वक्त, या फिर आपके बीच में कोई इश्यूज है, तो भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पर्सन आपको आके सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देगा। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो अचानक से कहीं गायब हो गया, या कहे कि शायद आपको एक पर्सन ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। एंड आप जो एक्सप्लेनेशन इनसे चाहते थे वो एक्सप्लेनेशन आपको कभी मिला नहीं। शायद ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इस केस में लियो, फाइनली आपको वो सुनने को मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं या जो आप जानना चाहते हैं। आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आखिर ऐसे क्यों एक्ट कर रहा था और इसके पीछे क्या रीज़न था। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में होंगी एक्चुअली, क्योंकि ये पर्सन आपको एक कप ऑफर कर रहा है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको ऑफर कर रहा है, अपना लव और एक प्रपोजल के साथ आपके सामने खड़ा है। और ये आप पे होगा कि आप ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे इस पर्सन के इस बिहेवियर से। आपको ऐसा लगेगा कि इतने लंबे समय तक इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी और अब अचानक से ये पर्सन कहाँ से चला आया, यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा इनके दिमाग में या चल रहा होगा इनके मन में। किसी ना किसी तरीके का एडवांटेज लेने की सोच रहे हो सकते हैं। इस तरह की बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। और टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करेंगे। यहाँ पे द सन का कार्ड भी है। द सन के कार्ड के होने का मतलब है कि आपको अच्छा ज़रूर महसूस होगा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं, इस पर्सन का दिया हुआ ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। ये पूरी तरह से आप पे है। पर सन के साथ जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो चीज़ें आप देखेंगे, जो कन्फेशन आपको मिलेगा इस पर्सन के थ्रू, आई मीन जो ये फीलिंग्स अपनी एक्सेप्ट करेंगे, या आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए जब एक्सप्लेनेशन देना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपको उन सवालों का जवाब तो मिला जिन्होंने आपको इतना परेशान कर रखा था, जिन सवालों से आप अभी तक डील नहीं कर पा रहे थे, या फिर ये सवाल आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, उनका जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा। और द सन के साथ फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आपका बोझ हल्का हुआ। शायद ये पर्सन आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवा रहा था या फ्रस्ट्रेटेड फील करा रहा था, और यहाँ पे आपके मन पे बोझ सा था, वो डेफिनेटली कुछ हल्का होगा। एंड आपको लगेगा फाइनली सन बाहर आ गया है, सनशाइन है यहाँ पे, आप डार्कनेस से दूर आ चुके हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है। ये पर्सन आपको किंग ऑफ कप्स की तरह देख रहा है। उन्हें लगता है कि आप इस कप से खुश हो जाएंगे,
इस पर्सन को पता है कि इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपका दिल बड़ा है और आप अपने इमोशंस से ज़्यादा फैसले लेते हैं, अपने दिल से ज़्यादा फैसले लेते हैं। तो ये पर्सन जानता है कि आप डेडिकेटेड हैं उनकी तरफ, इस रिलेशनशिप के लिए भी आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सन जानता है कि आप हमेशा उनका साथ निभाएंगे अगर आप एक बार प्रॉमिस कर दे तो। तो ये पर्सन एक बार दोबारा अपना लक आजमाना चाहता है कि देखते हैं आपका क्या रिएक्शन होगा, एंड आप बहुत सारे लवी डवी मैसेजेस और शुगर कोटेड वर्ड्स सुन सकते हैं इस वीक में। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Pentacles. Knight of Swords. Hanged Man. Page of Pentacles. तो हमारे पास Four of Pentacles है। Four of Pentacles के साथ ये person काफी डरा हुआ सा है, इन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई इनका एडवांटेज लेना चाहता है, लगता है कि ये कहीं और थे इतने दिनों या कुछ और चल रहा था आपके पीछे। ओके, शायद ये दूसरे लोगों की बातें सुन रहे थे, इनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हो सकते हैं, और प्रोबेबली हो सकता है कि ये कोई क्लोज फ्रेंड हो, आई मीन यू नो फ्रेंड से कुछ ज्यादा, और इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लोग आपसे बेटर है या ये लोग आपसे ज़्यादा इनको समझते हैं, इनका सपोर्ट करेंगे। पर अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपने पेंटिकल्स समेट के यहाँ से भागने की ज़रूरत है। आई मीन हर कोई इनके पेंटिकल्स को देख रहा है और इनका फ़ायदा उठाना चाहता है, एटलीस्ट ये इनको लगता है। यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन अब बेचैन हो रहा है अपनी खोई हुई जगह को वापस पाने के लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक जेन्युइन इंसान को खो दिया है, एक ऐसा इंसान जो वाकई में इनकी परवाह करता था, और अब ये दिमाग से काम ले रहे हैं। द हैंग्ड मैन के साथ ये पर्सन पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, और ये जो कुछ भी इनके साथ हुआ उसके बाद इनका दिमाग चल रहा है और ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ इन्होंने टू डू की लिस्ट तैयार की है, ये प्लान बना रहे हैं कि अब आगे का एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, आपके पास आके क्या बोला जाए जिससे आप अपसेट ना हो और उनकी बात पेशेंटली सुने। तो ये पर्सन ऑलरेडी एक प्लान तैयार कर रहा है जिसे ये जल्दी फॉलो करने वाला है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सीक्रेट, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी माइंड बॉडी और स्पिरिट एक लाइन में है और आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आपकी फीलिंग्स प्योर हैं, आपके थॉट्स प्योर हैं, और ये सबके अंदर नहीं है। ये चीज इस पर्सन ने रियलाइज कर ली है कि आप ऑनेस्ट हैं, आप जेन्युइन हैं, और जैसे भी है एटलीस्ट आप पूरी तरह से डेडिकेटेड तो हैं। आप एडवांटेज के लिए किसी के साथ नहीं रिलेशनशिप में रह सकते, ये इस चीज को इस पर्सन ने रियलाइज किया है। ओके, हालांकि यू नो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है तो
आपकी सिचुएशन में डिफर कर सकती है। वैसे ये रीडिंग आपकी इस वीक की थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो।